नमस्कार दोस्तों, भारत में लोकसभा इलेक्शन का पांचवा चरण कंप्लीट हो चुका है और बहुत सारे लोगों का मानना है कि रिजल्ट्स शॉकिंग होने वाले हैं। 2024 का ये इलेक्शन भारत का भविष्य बदल देने वाला है। पिछले 10 सालों से भारत में मोदी सरकार राज करते हुए आई है और इस बार उनका 400 पार का नारा है। और वही दूसरी तरफ कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ी हुई है, जो कि बाकी छोटी बड़ी पार्टीज के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश कर रही है। अब ये 2024 का जो इलेक्शन हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी की लड़ाई है। लेकिन क्या ये सच है और क्यों ये इलेक्शन भारत के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कैसे ये इलेक्शन भारत का भविष्य बदल सकता है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। अब की बार अब जैसे कि हम जानते हैं, भारत में लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं और भारत क्योंकि एक बहुत ही बड़ा देश है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो यहाँ पे 7 चरण में लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं। पहले 5 चरण का चुनाव हो चुका है, सिर्फ 2 चरण बाकी है अभी। एक तरफ हमें एनडीए अलायंस देखने को मिल रही है, जिसमें मेजर पार्टी ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी है, जो कि पिछले बार अकेली ही मेजोरिटी क्रॉस कर चुकी थी। और वहीं दूसरी तरफ हमें इंडिया अलायंस देखने को मिल रही है, जो कि आम आदमी पार्टी, सपा और कांग्रेस जैसी छोटी बड़ी पार्टी से जुड़कर बनी हुई एक अलायंस है। अगर हम लोग एनडीए की बात करें तो उनके तरफ से पीएम का चेहरा वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफाइड है। अभी के जो पीएम है हमारे नरेंद्र मोदी जी, वही आगे जाकर पीएम बनेंगे अगर वो जीतते हैं तो। लेकिन वही दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की अगर हम लोग बात करें तो अभी तक पीएम का दावेदार कौन है इंडिया अलायंस का चेहरा, ये पता करना मुश्किल रहा है और इंडिया अलायंस खुद भी ये बता नहीं पाई है। इंटरनेट में मोदी सरकार के खिलाफ एक बहुत ही तेज तर्रार कैंपेन चल रही है और इस कैंपेन के वजह से एक ऐसे फैन बेस का जन्म हो रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल है। जितना इंटरनेट पे बाकी लोग इंडिया अलायंस के लिए कैंपेन कर रहे हैं, अगर इंडिया अलायंस अपने लिए उतना कैंपेन कर लेता तो शायद आज बहुत सारे लोग इंडिया अलायंस के बारे में जानने लगते। बहुत सारे लोगों को पता होता अगर इंडिया अलायंस जीतता है तो वो क्या क्या देगा भारत के लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस अपने आप को ही कैंपेन नहीं कर पाया है अच्छे से। इस इलेक्शन के ऊपर अपना ओपिनियन बनाने से पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारत देश शुरू से ही एक सेकुलर देश रहा है और यहाँ पे हर एक रिलीजन का इक्वली रिस्पेक्ट किया जाता है। अगर आप लोग आज की बात करें तो भारत में 80% हिंदू रहते हैं, 14% मुस्लिम रहते हैं और बाकी सारे लोग जो हैं वो अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग ट्राइब्स और अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। अब जब से बीजेपी पावर में आई है, बहुत सारे लोग बोलने लग रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हिंदूज को फेवर करने वाले पॉलिसीज बनाते हैं ये, और हिंदू अपीजमेंट वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और भारत देश में मुस्लिम को डाउन ट्रॉटन किया जा रहा है। और ऐसे लोग बिना एविडेंस के हर बार ये चीज इंटरनेशनल स्टेज पे भी इस बात को बोलते रहते हैं। यही लोग बार बार बोलते हैं कि हिंदू लोग बार बार खुश होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, जिसके वजह से बार बार भारतीय जनता पार्टी भारत में अपना सरकार बनाते हुए आई है। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा समझने वाली बात है, अगर हम लोग भारत में पिछले 10 सालों को देखें तो पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे राज कर रही थी और कहीं ना कहीं लोगों के दिल में नरेंद्र मोदी जी बस चुके हैं। लेकिन उससे पहले किसका राज था भारत में? उससे पहले कांग्रेस का राज था भारत में। 10 साल कांग्रेस भी यहाँ पे राज की थी और उससे पहले 40 साल और कांग्रेस यहाँ पे राज कर चुकी है। क्या उस समय हिंदू अपीजमेंट नहीं किया करती थी कांग्रेस? बिल्कुल किया करती थी, और बाकी सारे रिलीजन को वो भी एक वोट बैंक जैसा ट्रीट किया करती थी, उनको भी अपीस किया करती थी और भारत में इलेक्शंस जीता करती थी। भारत उस समय भी हिंदू मेजोरिटी देश था और भारत आज भी हिंदू मेजोरिटी देश है। लेकिन उस समय क्यों भारत की जनता बार बार कांग्रेस को जितवा रही थी और अभी क्यों बार बार वो बीजेपी को जितवा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक पार्टी का फेस मैटर करता है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो कांग्रेस से बड़े बड़े दिग्गज नेता निकले हैं। अगर हम लोग टॉप ऑफ द लेयर की बात करें तो आप जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी तक की बात कर सकते हैं। और वहीं पे जब हम लोग 2014 की इलेक्शन की बात करते हैं और कांग्रेस को अपना लीडर चुनना रहता है तो वो राहुल गांधी को अपना लीडर चुनती है। तो कहीं ना कहीं गलती यहाँ लीडरशिप की भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं 10 साल पहले जो जनता लगातार कांग्रेस को जितवाया करती थी भारत में, वो अचानक से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने लगी और सारे के सारे जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं वो सारे अंधभक्त बन गए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। भारत में 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में सीन बहुत ही सॉर्टेड था। या तो नरेंद्र मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते या तो राहुल गांधी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते, क्योंकि दोनों तरफ से पार्टीज जो थी उनका जो प्राइम मिनिस्टर का चेहरा था वो सॉर्टेड था कि हाँ भाई ये दोनों हैं इनके चेहरे। लेकिन इस बार सीन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग इंडिया अलायंस को अच्छे से देखें तो ये बहुत सारी पार्टीज को मिलाकर एक गठबंधन बनाया गया है और इसमें बड़े बड़े दिग्गज नेता शामिल हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल हो गए, अखिलेश यादव जी हो गए, राहुल गांधी जी हो गए। लेकिन एज अ वोटर ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन भी पैदा कर देती है एक वोटर के मन में। मेरे हिसाब से इस इलेक्शन में ये इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी गलती
होती रही है। एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव से एक रिपोर्टर पूछता है, वो बोलता है कि ये बहुत सारी पार्टी मिला के आपकी अलायंस बनी है, आप लोग चाहे तो एक एक साल करके भारत के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो हंसी मजाक में ही अखिलेश यादव जी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। तो चलिए मान लिया ये मजाक में ही हो, लेकिन अगर ये सच हो जाता है तो भारत को ये लोग एक फेरी लैंड बना के रख देंगे और एक एक करके ये भारत के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और अपना सपना पूरा करेंगे, जो कि भारत के लिए एज अ होल कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा खराब रहेगा। क्यों ये इलेक्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्यों ये इलेक्शन भारत का भविष्य बदल देने का दम रखता है, इस बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, इस इलेक्शन में बहुत सारी छोटी छोटी फाइट्स हो रही है जो कि पूरा इलेक्शन का गेम बदल सकती है, इनफैक्ट भारत का गेम बदल सकती है ये। सबसे पहली बात हम लोग इंडिया अलायंस के बारे में ही कर लेते हैं। ये एक ऐसी अलायंस बनाई गई है जिसमें भारत के बाकी सारे मेजर पार्टीज मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, और ये सारे पार्टी सोच रहे हैं कि हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। लेकिन अगर वो 2024 के इलेक्शन में ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक रहेगा भारत के लिए, क्योंकि सारी पार्टीज मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी को भारत में नहीं हरा पाई है। तो अगर लेट्स से कि भारतीय जनता पार्टी इस बार का इलेक्शन जीत जाती है, तो 2019 में आप किन लोगों को अपने साथ जोड़ोगे, कैसे हराओगे फिर भारतीय जनता पार्टी को, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाएगा। अब जैसे मैं छोटी बड़ी लड़ाई की बात कर रहा था, बात हम लोग करते हैं अमेठी की, और एक बार फिर से राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। अमेठी जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, यहीं से राजीव गांधी जी भी जीते हैं, इंदिरा गांधी जी भी जीती है, और यहां पे राहुल गांधी 2004 से 2019 तक लगातार जीतते हुए आए थे। लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी जी ने 50,000 वोटों से अपने ही गढ़ में हरा दी थी। इस बार भी जब इलेक्शन की बात चल रही थी तो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा यही बन रहा था कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी या अमेठी छोड़कर चले जाएंगे वो, क्योंकि ये तो उनका गढ़ है, यहाँ पे हिस्टोरिकली बार बार कांग्रेस जीतते हुई आई थी। कांग्रेस शुरू में बोल भी रही थी कि अमेठी से ही राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, डरते हैं क्या वो, बिल्कुल यहीं से चुनाव लड़ेंगे वो। लेकिन इलेक्शन के 17 दिन पहले रायबरेली से राहुल गांधी जी अपना पर्चा भर देते हैं, क्या आप विश्वास कर सकते हैं? अगर आप अच्छे से देखें तो ये एक स्मार्ट मूव भी हो सकता है, क्योंकि अगर राहुल गांधी अमेठी से फिर से अपना पर्चा भरते तो वो कहीं कहीं राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी में इस कॉन्टेस्ट को बदल देते, और राहुल गांधी और कांग्रेस ये नहीं चाहती है। कांग्रेस शुरू से ही चाहती है कि एक बड़े लेवल पर राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी हो, ना ही कि स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी। और बात ये भी बन रही थी कि अमेठी से फिर से एक बार राहुल गांधी जी हार जाएंगे तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत ही लज्जा वाली बात रहेगी। अब देखिए, रायबरेली से उन्होंने पर्चा भर दिया है और अभी फिफ्थ फेज में ही उनका जो चुनाव होना था वो हो चुका है, और फिफ्थ फेज में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव हुआ था, रायबरेली एक ऐसी सीट थी जहां पे कांग्रेस 2019 के चुनाव में जीती थी। और अगर राहुल गांधी इस इलेक्शन में रायबरेली में भी हार जाते हैं तो ये एज अ पॉलिटिकल फिगर राहुल गांधी के लिए बहुत ही नुकसान वाली बात रहेगी। कहीं ना कहीं विश्वास है लोगों का राहुल गांधी के ऊपर, वो पूरा का पूरा ही खत्म हो जाएगा अगर राहुल गांधी रायबरेली में हार जाते हैं तो। तो ये लड़ाई बहुत ही करीब से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कांग्रेस के भविष्य के लिए। अब रायबरेली से उठाकर मैं आपको साउथ की तरफ ले चलता हूं और बात करते हैं कोयंबटूर के बारे में। यहां पे साउथ के मोदी माने जाने वाले के अन्नामलाई खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। एक्चुअली अन्नामलाई जी 2024 के विधानसभा इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, इसीलिए वो रैलीज पे रैलीज किया कर रहे थे, लेकिन वो 2024 का इस इलेक्शन के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन फिर भी इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने के अन्नामलाई को टिकट दे दिया है और उनके सामने खड़े हुए हैं तमिलनाडु के एक जाने माने नेता पी राजकुमार। अब यहां पे लड़ाई है हिंदुत्व वर्सेस द्राविडियन विचारधारा की, और बार बार जैसा हमने तमिलनाडु में देखा है वहां पे द्राविडियन विचारधारा जो है वो बार बार जीतते हुए आई है। और माना ये भी जा रहा है कि कोयंबटूर एक ऐसा सीट है जो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी सक्सेसफुली जीत सकती है, और अगर यहाँ पे के अन्नामलाई हार जाते हैं तो वो जो साउथ पे थोड़ा सा अपना पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो उसमें फेल हो जाएगी। तो ये सीट भी बहुत ही करीब से देखने वाली है आपके लिए। साउथ से मैं आपको उठा के चलिए नॉर्थ दिल्ली की ओर ले चलता हूं और बात करते हैं मनोज तिवारी के बारे में। 2019 में मनोज तिवारी ने शीला दीक्षित को बहुत बड़े मार्जिन से यहां पे हराया था, और तब से नॉर्थ दिल्ली में मनोज तिवारी की एक बहुत ही मजबूत पकड़ है। यहां पे खड़ा क्या है, कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उनके अगेंस्ट, एक यूथ नेता है वो, एक फायर नेता है वो, बहुत ही तड़कता भड़कता भाषण देते हैं वो, और यहीं से पढ़े लिखे भी हो वो, तो उनका भी पकड़ यहां पे बहुत ज्यादा मजबूत है। अगर कन्हैया कुमार नॉर्थ दिल्ली जीत जाते हैं तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत रहेगी, और इसी के साथ कन्हैया कुमार कांग्रेस के एक बहुत ही बड़े नेता भी बन जाएंगे। उनको अलग अलग पोस्ट दे दिया जाएगा कांग्रेस में, क्योंकि वो एक ऐसे जगह पे जीत जाएंगे जहाँ पे मनोज तिवारी की एक बहुत ही मजबूत पकड़ है, और शीला दीक्षित जी यहाँ पे हार चुकी है मनोज तिवारी से। तो आप सोच सकते
देखते हैं क्या दर्जा बन जाएगा कन्हैया कुमार जी का। देखिए ऐसे छोटे बड़े फाइट्स हमें भारत में जगह जगह पर देखने को मिल रहे हैं जिसके रिजल्ट्स भारत का पूरा भविष्य बदल देने का दम रखते हैं। लेकिन आज के दिन नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो बार बार बोल रही है हम इस इलेक्शन में 400 पार करेंगे। कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है ये बहुत ही ज्यादा फार फेच्ड दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार इंडिया अलायंस बहुत ही ज्यादा मजबूत भी दिख रही है हमें। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी भी बड़े बड़े स्कैम्स में फंस चुका है और पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी भारत में रूल कर रहा है, तो बहुत सारी भारत की जो जनता है उसको कहीं ना कहीं चेंज तो चाहिए भारत में, ये तो मैं देख ही रहा हूँ। लेकिन इंडिया अलायंस के लिए नरेंद्र मोदी जैसे फिगर को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और उनके जो मेन लीडर थे, वन ऑफ द मेन लीडर अरविंद केजरीवाल जी, वो इतने दिन जेल में ही बंद थे कि वो अपने पार्टी के लिए कैंपेन ही नहीं कर पाए थे। इसके वजह से इंडिया अलायंस को एक बहुत बड़ा झटका भी लगा था। कहीं ना कहीं भारत के लोगों को नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा है और पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है कि मैं एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन भारत वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। इंटरनेशनल लेवल पे भारत का इतना ज्यादा रिस्पेक्ट हो चुका है जो कि पिछले 50 सालों में नहीं था, और ये सब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के वजह से ही हुआ है। अगर हम लोग नरेंद्र मोदी की ही बात करें तो उनका जो अप्रूवल रेटिंग है और उनकी जो पॉपुलैरिटी है आज के दिन वो पीक पे है। इंटरनेशनली उनको एक बहुत ही डिसाइसिव नेता माना जाता है, एक बहुत ही फियर्स नेता माना जाता है, पर कहीं ना कहीं आज भी भारत के लोगों को ऐसे नेता की जरूरत है जो कि इंडिया अलायंस में है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इंडिया अलायंस में नहीं है ऐसा नेता, लेकिन आप उस नेता को आगे तो आने दो, आप एक चेहरा तो बनाओ उस नेता को ताकि लोगों के सामने आए तो वो नेता, एक ऑप्शन तो दिखे लोगों को वोट देने के लिए। लेकिन इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं ये नहीं कर पाई है आज के दिन। इसी इलेक्शन के समय हमें एक बहुत ही अजीब सा ट्रेंड आता हुआ भी देखा है, वो है मोदी के अगेंस्ट वीडियोस बनाना और व्यूज पाना। और इस चीज के वजह से भारत में एक ऐसी ऑडियंस का जन्म हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है और बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल है। देखिए डेमोक्रेसी के बारे में मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। डेमोक्रेसी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लेफ्ट राइट सेंटर सबको बोलने की आजादी होती है, और जब वो बोलते हैं तो एक दूसरे की जो ओपिनियंस होता है वो मैटर करता है। और अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है तो फैक्ट के बेसिस पे आप उसे नकार दो, आप उसे बोल दो आप गलत बोल रहे हो। लेकिन कोई भी अगर राइट की तरफ से बोलने की कोशिश करता है आज के दिन मीडिया में, तो उसे सीधा सीधा गोदी मीडिया बोल दिया जाता है, उसे सीधा सीधा गोवर बोल दिया जाता है, जो कि बहुत ही फनी लगेगा सुनने में, लेकिन कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए ये भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और ऐसे बहुत सारे स्टार के फैन बेस हैं जो कि बहुत सारे और जो लोग हैं वीडियोस बनाते हैं उनको हरास करते हैं। तो कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे मैं ये भी मानता हूं कि एक बहुत बड़ा फाइट नरेंद्र मोदी और ध्रुव राठी जी के बीच में भी है, क्योंकि ध्रुव राठी जी बार बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी भी इनक्रेडिबली पहली बार इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद उनको ये पता है कि इस बार ये 400 पार वाला जो आंकड़ा है या मेजॉरिटी वाला आंकड़ा भी है इसको भी छूना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए वो शायद इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ध्रुव राठी की जो स्ट्रेटजी है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो सकती है, और ये बात हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का रिजल्ट ही बता पाएगा। लेकिन अभी के लिए आप याद रखें आप एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और एक साइड का ओपिनियन सुन के अपना जो आप दिमाग बना लेते हैं उसे आप बंद करें, दोनों साइड का ओपिनियन सुने, अपना एक ओपिनियन बनाएं। आप एक माइंडफुल इंसान कैसे बन पाएंगे जब तक आप अपना ओपिनियन खुद से नहीं बना पाओगे? तो इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, जिस नॉलेज की लेफ्ट विंगर्स बहुत ज्यादा बात करते हैं, नॉलेज होनी चाहिए दोनों तरफ के लीजिए आप। बिल्कुल याद रखिए पॉलिटिक्स में अगर आपको बहुत ज्यादा कोई सही दिख रहा है तो वो शायद बिल्कुल भी सही नहीं है, और कोई भी पूरा सही और पूरा गलत नहीं होता है, और हमेशा पावर आपके हाथों में ही होती है। आप जिसे भी चूज करेंगे वो भारत का अगला प्राइम मिनिस्टर छोड़िए आपके घर के आसपास का एमपी भी बनेगा। तो सोच समझ के वोट करें और हमेशा माइंडफुल होके वोट करें। अपनी ताकत आप वोटों से दिखाएं, कमेंट सेक्शन में प्लीज आप अपनी ताकत ना दिखाएं। देखिए देखने वाली बात यही रहेगी कि 2024 का इलेक्शन कौन जीतता है, और अगर इंडिया अलायंस हारती है ये इलेक्शन तो वो इंडिया अलायंस के लिए कितना बड़ा सेटबैक रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी अगर ये इलेक्शन हारती है तो वो इंडिया के लिए कितना बड़ा बदलाव रहेगा। बहुत ही मजेदार इलेक्शन होने वाला है ये, हम लोग सब रिजल्ट के देकर इंतजार कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस इलेक्शन के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइट लग रही है भारत में जो होने वाली है वो भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, हम उसे जरूर पिन करेंगे और बाकी लोग भी वो देख पाएंगे। देखिए हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।